मैं हूं आर्टिस्ट आरति भार्गव और आप देख रहे हैं ट्रेवल विद आरती एंड गौरव। आज हम आपको लेके जाएंगे राजस्थान की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने, वो है कि राजस्थान के अचार। राजस्थान की बात हो और अचार का, लाजवाब अचारों का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हम इसके लिए आपको लेके जाएंगे जयपुर सिटी के चांदपुर बाज़ार में और वहाँ एक ऐसी शॉप में जहाँ पर आपको दिखेंगे तरह तरह के स्वादिष्ट अचार, मुरब्बे और शरबत। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं चांदपुर में चाय का अचार नाम की शॉप पे, शॉप नंबर 296 में। चलिए चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है खास। हाय गाइस, तो हम आ गए हैं शॉप के अंदर। अब हम लेंगे ओनर का छोटा सा इंटरव्यू और देखेंगे शॉप में क्या है खास। नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नरेंद्र साधवानी है। क्या हमें बताएंगे कि आपने ये कब स्टार्ट किया ब्रांड और ये कब से है आपकी शॉप? वैसे ये हमें ब्रांड को, इस जायका ब्रांड को लॉन्च किया होंगे 15 ईयर्स हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। तो 15 ईयर्स से आपकी शॉप यहाँ पर है जी। तो आपकी शॉप में स्पेशल क्या है या कुछ डिफरेंट क्या है? हमारे यहाँ पे स्पेशल राजस्थानी पिकल्स मिल जाएंगे और स्पेशल जो मसाले, जो हम स्पाइसी यूज़ करते हैं, उस स्पेशल राजस्थानी मसाले यूज़ करते हैं हम, जिसमें हमारे पास केर सांगरी का अचार, केर का अचार, हल्दी का अचार, जैसे मीठा नींबू का अचार, ऐसे स्पेशल वेराइटी मिल जाएगी, कटहल का अचार, सारी रेंज मिल जाती है हमारे पास। तो ये मतलब स्पेशली आप ही बनवाते हैं या आपका अपना स्पेशल ब्रांड है? तो और अचार के अलावा भी कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं, अचार के साथ हमारे पास शरबत आती है, केचप आती है, सॉस आती है, चिली सॉस आती है, और काफ़ी आइटम आते हैं हमारे। मुरब्बा आते हैं, आंवला मुरब्बा, बिल मुरब्बा और बहुत तरह के मुरब्बा, गुलकंद आता है हमारा, काफ़ी रेंज, बड़ी रेंज हमारे पास, 100 से ज़्यादा वेराइटी है हमारी और पूरा कैटलॉग है हमारे पास इसका, और सारी चीज़ मिल जाएगी आपको। मतलब राजस्थान में ही करते हैं बाहर या बाहर इंडिया में कहीं और बाहर भी आपका जाता है? नहीं, हमारा राजस्थान तो पूरा है ही हमारा, उसके अलावा हम MP करते हैं, हरियाणा करते हैं, दिल्ली करते हैं मोस्टली, और अमेजोन से जुड़े हुए भी हम, आप सब जगह जाते हैं मोस्टली हमारे यहाँ। बॉम्बे के लोग, पुणे के लोग तो खास पसंद करते हैं हमारा अचार, हाँ, क्योंकि वहाँ पर इस मसाले का अचार मिल नहीं पाता है वहाँ पर उन लोगों को, तो खास स्पेशल राजस्थान का पिकल जाता है यहाँ से। तो आपकी पैकेजिंग कैसे रहती है, मतलब कितने से स्टार्ट होगी? हाँ, हमारी पैकिंग सारी रहती है, इसमें 500 ग्राम से लेकर 15 kg तक रहती है हमारी पैकिंग। हाँ, कॉमर्शियल पैकिंग भी रहती है हमारी और डोमेस्टिक पैकिंग भी रहती है। हाँ, तो आप हमें कुछ दिखाएंगे पैकिंग्स अपनी? जरूर दिखाएंगे आपको सारी, और डिस्प्ले भी कर रखी है हमने, आप चाहें तो डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं सारा आइटम, और लूज पिकल भी रखते हैं हम, खुला भी रखते हैं हम। हाँ, और सारे अचार तेल में है, सरसों के तेल में होते हैं। हाँ, इस तरह ये अचार इनके पास हर तरह की पैकिंग में है, छोटे से लेके बड़ी पैकिंग में है, और जिसे इन्होंने बताया पूरे राजस्थान तो ये कवर करते ही है, इंडिया के बहुत डिफरेंट स्टेट्स में भी इनका अचार जाता है। और जैसे देखिए ये केर सांगरी का अचार है जो रेयर है, जो हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, और राजस्थान के लोग तो उसे बहुत ही पसंद करते हैं। और अब जब भी यहाँ जयपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ शॉप के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी के अचार मिलेंगे। जैसे देखिए आंवले का अचार है, ये मैंगो का है, और ये लेसुए का अचार है जो भी लोगों को बहुत पसंद आता है पर इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, और ये जो अचार है ये इनके यहाँ अपने ब्रांड के अंडर ही बनते हैं, तो ये इनका फेमस ब्रांड है और जो इन्होंने कहा 15 साल से यहाँ चल रहा है। ये देखिए आंवले का मुरब्बा है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग में आप चाहें तो बड़ी पैकिंग ले सकते हैं, छोटी पैकिंग ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर इनके पास ओपन खुले में भी अवेलेबल है, आप वेट के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ आंवले के मुरब्बे हैं और अलग अलग तरह के अचार हैं, बहुत वैरायटी की चीज़ें इनके पास। अभी हम और कुछ डिफरेंट आइटम्स से पूछते हैं जो इनके पास हैं, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये पिकल्स जो आप देख रहे हैं, इनका जो रेंज है रेट की स्टार्ट होती है वो 140 रुपीज़ केजी से लेकर 400 रुपीज़ केजी तक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट रेट है, तो यहाँ के आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। हम और कुछ डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको कहा है यहाँ पे दिखाते हैं जो इनके पास है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है 1 kg की गुलकंद की पैकिंग है, और देखिए ये एक और इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, ये है बेल का मुरब्बा। ये बिल्कुल डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं जो रेयर हैं, जो नहीं इजीली अवेलेबल होती, तो इनके पास बहुत तरह की वैरायटी है। ये है मैंगो की चटनी, ये खट्टा मीठा नींबू का अचार, जैसे मेरे को कुछ स्पेशल चीज़ों में लगा इनका गुलकंद का, और ये बेल का, और ये केर सांगरी का, ये लेसुए का पिकल। तो इस तरह की बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो रेयर हैं, जो यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग पिकल है, ये है कैरेट पिकल, ये है गाजर का अचार,
इसकी 1 kg की पैकिंग है और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 150 rupees। हम इनकी एक और आपको रेंज दिखा रहे हैं जो कि बहुत फेमस है और कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि मिस पिकल है या मैंगो पिकल है। इसकी रेंज सिर्फ 100 rupees है, जिस फॉर 100 rupees kg ओनली। तो यहाँ क्या आप अपने रेगुलर वाले अचार भी ले सकते हैं और कुछ स्पेशल है वो भी ले सकते हैं। बस देखिए विनेगर के आइटम्स भी हैं, सॉसेस भी हैं, लेकिन इनकी अपनी ओन ब्रांड की देखिए जायका की रेड चिली सॉस भी अवेलेबल है, ग्रीन चिली सॉस भी अवेलेबल है, सोया सॉस वगैरह, साथ में सिंथेटिक विनेगर और रेगुलर वाली टोमेटो केचप। तो इनके पास मतलब होल वैराइटीज़ है, चार से मुरब्बे से लेकर सॉसेज और विनेगर तक की सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो है इनके पास कमर्शियल बड़ी वाली पैकिंग भी अवेलेबल है 5 kg की। देखिए वेजिटेबल सॉसेस भी है यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, मिस पिकल भी है, कॉटन स्वीट सॉसेस हैं, और ये देखिए इनके पास ये ऑरेंज फ्लेवर के शरबत भी हैं। तो सॉसेस हैं, शरबत हैं, अचार है और बहुत सारी वैरायटी है और बहुत ही मतलब वेल मेंटेन शॉप है। तो यहाँ आके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी पसंद का ज़रूर मिल जाएगा और पैकिंग भी हर उसमें लेवल पे है, छोटी से लेकर 5 kg तक की पैकिंग इनके पास अवेलेबल है। जा रही हूँ, ये जो है इनका ऑरेंज फ्लेवर शरबत है जो इनके अपने ब्रांड का शरबत है। इसकी 750 ml की ब्रांड पैकिंग है और इसका रेंज है 120 rupees ओनली। तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। और यहाँ पर देखिए रोज़ शरबत है, डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर इनके पास चीज़ें हैं। साथ में देखिए एक और है इनके पास लेमन शरबत है। तो दे हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे पिकल्स है, मुरब्बा है, शरबत है, यू फाइंड वैरायटी ऑफ थिंग्स है। तो यहाँ आकर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और राजस्थानी जो आप फ्लेवर की बात करते हैं, जो आप राजस्थानी स्पाइसी चीज़ों की बातें करते हैं, तो वो आपको ज़रूर यहाँ मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेश साधवानी है एंड मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ही हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड होते हैं एंड बहुत ही वेल फैसिलिटेड प्लांट में प्रोसेस्ड होते हैं। तो आप है ना, इस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि आपका प्रोडक्ट कहीं से भी अच्छा नहीं है या हाइजीनिकली सूट नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सील करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हाइजीन में भी हम बहुत अच्छे इसका ध्यान रखते हैं और हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप जयपुर आएँ तो प्लीज़ आप हमारी शॉप पे ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू फ्रॉम जायका। उम्मीद है आपको आज का हमारे साथ का जायकी का सफ़र बेहद पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और डेस्टिनेशन पे किसी और नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।